नीचे वाले और मार दे। आज मोदी जी की लहर इतनी जबरदस्त सिरसा के अंदर खासकर चल रही है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं लगातार इतने दिनों से गांव में, एक गांव से दूसरे गांव में घूम रही हूं, तो आप सोच भी नहीं सकते कि जिस तरह की लहर मोदी जी की चारों तरफ से चल रही है। और बच्चे क्या, महिलाएं क्या, बुजुर्ग क्या, सब के सब जो है वो मोदी में हो रखे हैं। लेकिन सख्त जरूरत इस बात की है कि जो हमारा कार्यकर्ता है वो जागरूक रहे, और कार्यकर्ता जो है वो जाकर अपने जितनी भी अपने आस पड़ोस में जो लोग हैं, जो जनता है, उनको इस बात के बारे में और भी जागरूक करें और वोट तक, उनको बूथ तक लेकर जाए। अभी सबसे ज्यादा जरूरत इसी बात की है कि हमारा कार्यकर्ता अगर ताकतवर रहेगा, अगर हमारा कार्यकर्ता जो है वो जागरूक रहेगा, तो वोटों की कोई कमी नहीं है। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, इतना जबरदस्त लोग जो है आपको बहुमत देने वाले। चारों तरफ मैं जो माहौल देख रही हूँ, लोगों के, बाकी जो विपक्षी पार्टियां, उनके हौसले पस्त हो रखे हैं बिल्कुल, और इसलिए उनको सूझ नहीं रहा है कि वो क्या करें क्या ना करें। कोई कार्यक्रम उनको ढंग से मिल नहीं रहे हैं। इसलिए क्या होता है कि जब आपको आपकी मंजिल दूर नजर आती है, तब वो क्या करते हैं, तब वो जो आगे भाग रहा होता है ना, उसकी पांव खींचने की कोशिश करते हैं। इसलिए विपक्षी दल जो है वो सिर्फ अनर्गल बातें करके, इस तरह की बातें करके, गलत सलत बातें, बयानबाजी करके जो है वो अपना वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल असफल होंगे, क्योंकि हम लोग आप लोगों की मदद से, संगठन की ताकत से इतने आगे दौड़ चुके हैं कि चाहे वो आप कुछ मर्जी कर लें, आप वो अगर जनरेटर भी लगा लें अपने पीछे, तब भी कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं सब आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोग सब जो है एकदम सब इकट्ठा होकर इस एक मिशन पर लगे हैं जो कि देश हित में है। भारतीय जनता पार्टी देश हित की पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हमें वापस उसी जगह पर, उसी सिंहासन पर बिठाना है, क्योंकि हमारा देश उन्हीं के हाथों में सुरक्षित है और किसी के हाथों में सुरक्षित नहीं। पप्पू के हाथों में सुरक्षित है क्या भैया? नहीं है ना। तो हमें वापस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उस गद्दी पर बिठाना है, उस सिंहासन पर बिठाना है, ताकि हमारा देश तरक्की करे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कार्यकर्ता बंधु एकत्रित रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, जागरूक रहेंगे, संगठित रहेंगे, और अब की बार कमल का फूल खिलाकर रहेंगे।